अब बस करो, वो मर जाएगा। हमें उसका पता चल गया है, वो समंदर किनारे है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ये अब नहीं रहा। आखिर हो कहां तुम? Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, I bet you didn't think so. Party I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's ritual, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Brando, kya kar rahe ho? Aaj raat party mein tum kaun sa costume pehen rahi ho, Stella? Kya pehen? Michael, kya hai ye? Idhar do. आज भी पेपर खाली है, इवान की तरह नाइन्थ में फेल होना है। वैसे अपुन तो आठवीं में दो बार मेडल है। प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर को आप सभी से कुछ बात करनी है। बैठ जाइए। कैसे हो बच्चों? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हाल ही में क्या किसी ने मार्टिनो ब्रेचा को देखा है? उसके साथ सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं वो लुढ़क तो नहीं गया? मार्टिनो पिछले दो दिनों से घर नहीं आया है। उसकी माँ जब उसे उठाने के लिए कमरे में गई तब वो वहां नहीं था। वो कहाँ है किसी को पता नहीं। अगर तुम में से किसी को वो दिखाई दिया उसे घर जाने के लिए कहना। ठीक है, गुड लक। यही कहना था इंस्पेक्टर। हाँ, तुम ये घर में भूल गए थे। थैंक्स मामा। इंस्पेक्टर को गुड बाय बोलो। गुड बाय इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी टीचर। मिकी, तुझसे कोई मिल रहा है? चल पैसे निकाल। इसकी मोजे में देख, बदबू आ रही है। मेरे पैसे मुझे वापस दो। नहीं दिया तो क्या करेगा? मम्मी से कह के हमें अरेस्ट करवाएगा या अपने बाप से पिटवाएगा? सॉरी, भूल गया था, तेरा तो बाप ही नहीं है। तुम्हारे बाप की तरह जेल में तो नहीं है बेवकूफ? वो कल जेल से छूट रहे हैं,
अपुन तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। देख अपुन सिर्फ 10 तक गिनेगा, फिर शुरू हो जाएगा। ये सही नहीं है। 10, 9, 8 10 पॉइंट हो गए। ये तो बहुत आसान था, ये तो मक्खी मारने जितना आसान था। भैया आ गए हैं। मैं मक्खी हूँ, मैं तुम्हें काटूंगी। कैंडला तंग मत करो। हेलो, तुम आ गए। आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है। किसने बनाया? तुम्हारी माँ ने बनाया। मुझे भूख नहीं है। भैया क्या कर रहे हो? कैंडला बाहर जाओ। मक्खी को इंसानी भाषा नहीं आती। उसे नीचे रख दो। मुझे तो समझ में नहीं आता, चश्मे में कोई सुपरमैन को पहचान क्यों नहीं पाता? दिखता तो वो वैसा ही है। इससे क्या होता है? कैंडला! सुपरमैन! यहाँ कौन सोता है? मेरे दोस्त सोते हैं। कौन दोस्त? तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। हे, उसे हाथ मत लगाओ, समझे? तुम्हें चाहिए क्या? सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम है, मेरे पास इतने ही हैं। ये लो। ये क्या है? शिनचाओ, चाइनीज का फेमस सुपर हीरो, बहुत फेमस था। लेकिन ये, अरे हाँ, इसके साथ ये भी है। इसकी पावर्स क्या है? तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मैं जल्द ही लौट आऊंगा, तुम लोग चिंता मत करना। हाँ, इसे देखिए जरा, 2 घंटे पहले मार्टिनो ने अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजा है। उसने ये वीडियो कहाँ शूट किया है? किसी रेलवे स्टेशन के बाथरूम में है वो। पीछे से अनाउंसमेंट की आवाज भी आ रही है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? ये अपने स्कूल का सबसे होशियार बच्चा है। मैथ्स ओलंपिक के 2 दिन पहले घर से भाग गया। मुझे तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। अगर उसके पापा नहीं है तो क्या हुआ? उसकी मॉम तो है, और अकेले रहना इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, कल बात करते हैं। माइकल, तुम स्टेला की पार्टी में नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। हंसेंगे? 5,000 के कपड़ों पर? ये सब क्या है? एक सुपर हीरो है, चाइनीज है। यानी तुम जैसा कोई नहीं होगा। दिखाओ मुझे, सिर ऊपर करो, ये तो बहुत अच्छा है। परेशानी क्या है? चुभ रहा है। सुपर हीरो होना इतना आसान नहीं है। यहाँ उड़ो वहां उड़ो, किसी की जान बचाने के लिए एक जगह से पापा की तरह। हाँ, शायद वो भी मेरी तरह पुलिस में थे। उन्होंने मुश्किल में फंसे लोगों की जान बचाई थी।
अब तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए वरना स्टेला को बुरा लग जाएगा। मेरा इंतजार मत करना। Come with me, girls and boys, snakes and rocks in place of toys, create panic and gather noise. We'll trick or treat, walking down on your street, you should better give us your cakes and sweets. Well, we'll sing a song and at last night says all night long. Michael, मैं कौन हूँ? मैरी एंटियोनेट, वो कटे सर वाली? Hey Michael, तुम आखिर क्या बने हो? कहीं टट्टी तो नहीं बने? ये एक सुपर हीरो है, चाइनीज है। चाइना से? सच में? मैं चाइना में रह चुकी हूँ। कैसी जगह है? मुझे इतना याद नहीं है, मैं वहाँ सिर्फ एक साल रही हूँ, वो भी जब 4 साल की थी तब। तुम यहाँ कब से रह रही हो? हम हाल ही में यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ समंदर है ना? देखो देखो देखो, ये सब किसने किया? उस चपड़गंजू से पूछना। इसके फोन से हमें ये मिला था, जिसे टीचर ने ले लिया था। ये सच है? हम तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं। गंदे से चाइनीज कॉस्ट्यूम, तुम्हारी पावर्स क्या है? मुझे गायब कर दो, मुझे अदृश्य कर दो। मारे अब तुम्हें क्या हुआ? तुम तैयार हो माइकल? बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। मिकी, बेड के नीचे छुपे हो क्या? मारियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ। चलो बाहर आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। मारियो, बाहर आओ। मारियो, क्या है वहां? इसे देखकर क्यों भौंक रहे हो तुम? हाँ,
चलो। हेलो मॉम, अभी बात नहीं कर सकता, क्लास में हूं, बाद में बात करते हैं, बाय। अब क्या करूं? मैं शैतान हूं। टेनिस फाइनल में है। टेनिस ठीक है, शुरू करें। उसे भी उसके पापा की तरफ बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपके गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि उसके पापा कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे हैं। अब बेटे को डालना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हार कैसे सकते हो। अपनी चड्डी गीली कर दी तुमने, कितनी शर्म की बात है। पापा आप यकीन कीजिए, वह सच में कोई था। अपनी बकवास बंद करो और घर खुद चल कर आना। Thank you.
मेरे साथ खेलना चाहोगे? बचो! पापा अपन सच बोल रहे हैं, अपने पे यकीन करो। पापा सच में अपन ने पिचकारी नहीं छोड़ा। पापा अंदर पापा, बैठो, मैं तुम्हें घर में देखूंगा। चलो नहाने चलो। 1 2 1 2 1 2 मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया। मिकी, लड़कियों को पढ़े लिखे लड़के पसंद आते हैं बेटा, ऐसे कपड़े उतारने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें हो क्या गया है माइकल? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तुम्हारे फेवरेट चिकन और चिप्स खाने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना है। तो फिर आज ड्राइव तुम कर लो। मामा, कुछ नहीं। यहां देखो। ओ गॉड, ऊपर देखो, ऊपर। मिनेला बोल रही हूँ। हाँ, क्या कहा? ठीक है, मैं भी पहुंचती हूँ। रांडो वोल्पी भी लापता है। जिंदगी आसान नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है कि माँ बाप के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा सोचना एकदम नॉर्मल है। तुम्हारी उम्र में ऐसी बातें सोचना आम बात है। डर, निराशा, शर्म, ये सब बहुत जरूरी है। अगर इन फीलिंग्स का इस्तेमाल सही जगह पर हो तो पहले इन्हें समझना जरूरी है। इसके लिए यहाँ आए हैं डॉक्टर वसीली। तुम लोग चाहो तो मुझे बुला सकते हो जॉर्जियो। ये यहाँ क्यों हमारा दिमाग खाने आया है ऐसा तुम सोच सकते हो। ये एक पुलिस साइकोलॉजिस्ट है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सबकी मदद करने आया हूँ, तुम्हें खुद से मिलवाने आया हूँ। जैसे कि तुम्हारे क्लासमेट ब्रैंडो ने अपने माता पिता को एक खत भेजा जिसमें उसने लिखा कि वो अकेला रहना चाहता है और वो उसे न ढूंढे। मार्टिनी ने भी यही किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा उन्होंने क्यों किया? हाँ, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ। एक वक्त मैं भी 13 साल का था। मुहासे आने लगते हैं, आवाज में बदलाव आती है। तुम बच्चे नहीं रहते, लेकिन बड़े भी नहीं माने जाते। मैं खुद अपने घर से 3 बार भाग गया था। मेरी माँ के बाल मेरी वजह से ही सफेद हुए हैं और देखो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हें लगता है घर से भागने के लिए तुम्हें किसी कारण की जरूरत है या सिर्फ जोक्स की? ये जानने के लिए कि क्या तुम अकेले रह सकते हो या नहीं, क्या कहते हो? लगता है ये अब तक घंटी बजने का ही इंतजार कर रहा था। मकड़ी तो मुंह से जाला बनाती है, तो स्पाइडरमैन हाथ से जाला कैसे बना लेता है? कैंडेला नीचे जाओ। क्यों जाऊं? मॉम तुम्हें बुला रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। कैंडेला नीचे जाओ। तुम मुंह छुपा के क्यों खड़े हो? बाय बाय।
चुप रहो, आवाज मत करना। कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं अपना हाथ हटाऊंगा, चिल्लाना मत। जब मैंने उसे पहना मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, या शायद अजीब था। वो कॉटन का नहीं था, शायद इसीलिए मुझे चुभ रहा था। इसलिए मुझे लगता है जब मैं सो रहा था तब मुझ में ये पावर्स आ गई होंगी। कॉस्ट्यूम धोने से पावर चली जाएगी? पता नहीं, शायद इस पजामा में मैजिक है। इसे रात में पहन के सोने से क्या तुम सुबह गायब हो जाते हो माइक? ये पजामा नहीं है, देखा जाए तो ये पजामा जैसा ही दिखता है। शायद इसे ज्यादा देर पहनोगे तो ज्यादा देर के लिए गायब रह सकते हो। तुम फिर से पहले जैसे कब होगे माइक? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम तो सुपर हीरो बन गए। कुछ भी, तुम हो इनविजिबल बॉय। तुम किसी की भी मदद कर सकते हो माइक। मैं क्या किसी की मदद करूंगा, मुझे तो खुद मदद की जरूरत है। मार्टिनो ब्रिज, एक बहुत ही भावुक मोटा सा बच्चा जो मैथ्स ओलंपिक के प्रेशर को झेल नहीं पाया और ओलंपिक के एक दिन पहले डर के मारे घर से भाग गया। फिर ब्रांडो वोल्पी जो हर काम में आगे है लेकिन अपने कड़क पिता के सामने हार गया। ताज्जुब की बात यह है कि वो हार के बाद किसी को भी दिखाई नहीं दिया। क्या आपका कहना है कि इस किडनैपिंग में बच्चों का हाथ है? सिर्फ मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, सारे सबूत कह रहे हैं। वीडियो मैसेज मार्टिनो की तरफ से और चिट्ठी ब्रांडो ने जो भेजी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो ठीक है, पर आपको यहाँ क्यों भेजा गया है? सिस्टम नहीं चाहता कि और बच्चे ऐसी हरकत करें और बच्चों का ये व्यवहार आग की तरह न फैले, इसलिए। खैर, अभी जरूरत इस बात की है कि हम सब शांति से इस बात को संभाल लें, ठीक है? मिकी, तू ऊपर हो? नहीं मिकी, तुम घर पर हो? मिकी, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा। कपड़े कैसे फैला कर रखे, क्या करूं इस लड़के का। हेलो। हेलो, क्या हुआ, काम की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं काम की वजह से परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैंने छोड़ दी है। आपको तो पता है ना, मिकी के आने के बाद से मैंने सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैं मिकी को लेकर परेशान हूँ, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है। कल उसके स्कूल जाना पड़ा था और आज वो घर में ही नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा कि मुझे बताया कर जाया करे, मुझे बताना चाहिए ना। सुनो माँ, क्या लगता है आपको, उसे पता है या वो जान चुका है कि वो मेरा बेटा नहीं है, अडॉप्टेड है? रुक, एक मिनट। मिकी, क्या तुम हो? नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई है।
कौन हो तुम? तुम भूत हो क्या? एक फरिश्ता हूं। या सिर्फ हवा हो? तुम ऐसे दिखते हो? देखते हैं सबसे ऊंची उड़ान कौन भरेगा। मुझसे दोस्ती करोगे? मेरे यहाँ ज्यादा दोस्त नहीं है। मॉम कहती है मुझे अनजान दिखने वालों से बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम तो दिखते ही नहीं। क्या तुम्हारी कोई मॉम है? नहीं। मीठे से शुरुआत करें? बस ये आखिरी बची है। तुम खा तो सकते हो, है ना? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। हम फिर मिलेंगे ना, है ना? ताकि फिर से बात कर सके। ठीक है? ठीक है। बाय। स्टेला, उस दिन की हरकत के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। I'm coming home. अंदर आना चाहोगे? हाँ। ओ, तुमने मुझे डरा दिया। I wonder which brother is better. कहाँ हो तुम? Which one our parents love the most? अच्छा, तुम्हारी छींक अब तक बंद नहीं हुई? तुम्हें ठंड लग रही है? थोड़ी सी। जिम जाने के लिए तैयार हो स्टेला? ब्लैंकेट में क्या छुपा रही हो बेबी? मुझे ठंड लग रही है। चलो अब जल्दी करो। वो हमेशा बिना नौकरी आ जाती हैं। मुझे पता था हम दोबारा मिलेंगे। क्या तुम सच में हो? हाँ, लगता तो है। अगर आंखें बंद कर लूं तो देख पाऊंगी? नहीं। तुम्हें नजदीक से देखूं तो? और नजदीक से? शायद और नजदीक से। My sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love and laughter. मुझे जाना होगा। कम से कम अपना नाम तो बता दो। तुम्हें उसे बताना चाहिए। तुम्हें उसे बताना चाहिए। तुम्हें उसे बताना चाहिए माइक। अब क्या करोगे? मैं उसे बता दूंगा।
हमें तुम्हारे बैलेंस पे काम करना होगा और स्टेला तुम्हें अपने डर पे काबू भी पाना होगा। प्रैक्टिस करती रहो, मैं कॉफी पी के आती हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए स्टेला? नहीं थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मारियो को घुमाने लाया था। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। मैं मारियो के पीछे आया। क्या इत्तेफाक है, दरअसल मैं हमेशा यहां आता हूं। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? स्टेला! स्टेला! उसे नीचे उतारो! मैंने कहा उसे नीचे रखो! नीचे उतारो उसे! उसका ख्याल रखना आपका काम है। खैर, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। थैंक यू। यस, ओके। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई? मैं उसे रोक नहीं पाया। ठीक हो, तुमने पूरी कोशिश की, उदास मत हो। उसे थोड़ी सी चोट आई है बस, वो कल सुबह तक घर आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? मारियो ने पूरी कोशिश की, उसकी कलाई पर काटा भी। हे, हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? अब थोड़ा आराम कर लो, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे घर जाना है। चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही घर भेज देंगे। टेस्ट के रिजल्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे सवालों का कुछ जवाब देना होगा। आपने बुलाया कमांडर? ये भी वो नहीं है, हमें उसे ढूंढते रहना होगा। तुम्हें स्टेला को बचाना होगा, तुम्हें बचाना होगा स्टेला को। क्या कहा? तुम नींद में कह रहे थे मुझे बचाना होगा स्टेला को, मुझे बचाना होगा स्टेला को। अब कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा कॉस्ट्यूम कहाँ है? कहाँ गया? क्या कर रहे हो? तो मिल गया, छोटा हो गया है। क्या ये अब भी काम करेगा? मुझे लगता अब मैं इसे नहीं पहन सकता। मुझे ठंड लग रही है, और कितनी देर के लिए मुझे पहनना होगा?
शायद ये सिर्फ तुम पे ही काम करता है। मिकी, मैं घर आ गई। एक मिनट रुको। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके, तुम उठ गए बेटा? मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई। आपने मेरा कॉस्ट्यूम क्यों धोया? वो गंदा हो गया था, आपने उसे बिगाड़ दिया। ओके, तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ। बताओ क्या बिगड़ा है? अब वो ठीक नहीं हो सकता, आप बुरी हो। माइकल, अपनी माँ से इस तरह से बात करते हैं? तुम मेरी माँ नहीं हो और आप भी मेरी माँ नहीं है। तुम लोग घर छोड़कर भागे नहीं थे? वो कॉस्ट्यूम किसी काम का नहीं है। हम पहले भी मिल चुके हैं। नहीं, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को किडनैप नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूं? कौन हो तुम? मेरा नाम आंद्रे है और मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता मर चुके हैं, वो पुलिस में थे, वो एक हीरो थे। ऐसा तुम्हें बताया गया है? कभी रशिया के बारे में सोचा है? क्या है रशिया में? मेरा वहां जन्म हुआ था। मैं एक साधारण जिंदगी जीता था, मेरे दोस्त भी थे और मेरा परिवार भी था। एक दिन अचानक सब बदल गया। परमाणु हमले की वजह से सब नष्ट हो गया। रेडिएशन की वजह से कई लोग मारे गए, कुछ वक्त के साथ ज्यादा बीमार होते चले गए और कुछ लोगों के डीएनए में बदलाव आया। उनके डीएनए बदल गए और उन्हें स्पेशल होने का दर्जा मिला। उस रेडिएशन की वजह से उन्हें कुछ पावर्स भी मिली, जिस वजह से सेना की ऐसे लोगों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। इनका लीडर एक ऐसा जनरल था जो बिना लड़े ही लड़ना चाहता था और नाम था डिविजन। हम सबको बंदी बना के साइबेरिया में रखा गया और हम पर जानवरों की तरह कई सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे। वो हमारी ताकत को लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। छोड़ो, द टेस्ट्स आर ऑल नेगेटिव। सोचो, अलग अलग पावर की एक परफेक्ट आर्मी होती। कहां पर है वो? शायद वो गायब हो गया। वो लोग मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते थे
क्योंकि मैं अकेला ही लोगों के दिमाग पढ़ सकता था, लेकिन बाकियों की तरह मैं जितनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता उतनी ही वो पावर्स मुझे अंदर से नष्ट करती। कई लोग बीमार होने लगे और मेरी भी नजरें कमजोर होने लगी। इन पावर्स का ये एक भयानक सच था। एक दिन तुम भी इस बात को समझ जाओगे। पर डिवीजन के लिए एक और बड़ी परेशानी थी कि वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, सबके सब सिवाय तुम्हारी मां के और मेरे। चलो जल्दी जल्दी। मुझे आज भी याद है जिस दिन वो वहां आई थी। ये लेना, उसके मन में भी वही डर था जो हम सब के मन में था, लेकिन मुझे उसमें कुछ और भी नजर आया। वो ये कि वो मुझे पसंद करती थी। फिर तुम्हारा जन्म हुआ, दो खास शक्तियों का बेटा। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम समझ गए थे कि वो लोग तुम्हें हमसे दूर कर देंगे। तब मैंने और तुम्हारी मां ने एक फैसला किया। तुम्हारी मां ने तुम्हें अपनी शक्तियां देकर इस दुनिया से चली गई। सच कह रहे हो? हाँ, यही सच है। मैं तुम्हें वहां से यूरोप ले गया। मैंने हमारी कोई निशानी पीछे नहीं छोड़ी, लेकिन मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढा ताकि तुम्हारी वहां अच्छे से परवरिश हो सके। मैंने तुम्हें गियोवाना के घर छोड़ दिया, जो शहर में नहीं आई थी। मैंने उसका मन पढ़ लिया था। मैं जानता था कि वो एक अच्छी औरत है और वो एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी। मुझे पता था वो तुम्हें बहुत प्यार देगी। एक पुलिस वाले के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसलिए वो दुनिया की नजरों में तुम्हारी मां बन गई। सुनो,
उसके बारे में कभी भी बुरा मत सोचना। मुझे पता है मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरे दिमाग में बिना इजाजत नहीं घुसा है। ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या तुम सबके दिमाग पढ़ सकते हो? सिर्फ वही जो मेरे नजदीक है, जैसे वो मछली पकड़ने वाले। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या वो पुलिस को बुलाए या नहीं। आजकल इतने बच्चों की किडनैपिंग जो हो रही है, वो कुछ ही देर में पुलिस को बुला लेंगे। वो अब तक नहीं लौटा है, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमें अपनी पूरी टीम को सतर्क करना होगा। मुझे पता है वो घर से भागे नहीं है। मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी, ना कि मेरे दिल की बात कहना चाहती हो? किस बात से परेशान हो? मैं किससे बात कर रही हूँ, एक पुलिस से या साइकोलॉजिस्ट से? तुम एक दोस्त से बात कर रही हो। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। तो फिर? और यही सच है। मुझे ये पता नहीं था। किसी को पता नहीं था इस बारे में। मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चला। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? क्यों, मैं तुम्हें भरोसेमंद नहीं दिखता? माफ करना, आपके लिए कॉल आया है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में कोई पावर नहीं है, मुझे कॉस्ट्यूम ने पावर दी। इसी सोच की वजह से तुम्हारा उन पर कंट्रोल नहीं है। वैसे ऐसा दोबारा होगा, तुम अब बड़े जो हो रहे हो। क्या हाल ही में तुम्हारे नाक से खून बहा था? हाँ। देखा, कॉस्ट्यूम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पावर्स तुम्हारे अंदर ही है। तो मैं उस पर काबू क्यों नहीं कर पाता? तुम ये जल्दी ही सीख जाओगे। तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी यादें मिटा दी। अब उसे हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अच्छा। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के घूमना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी माँ को भी यही परेशानी थी, इसलिए उन्होंने एक खास चीज बनाई। ये क्या है? ये सूट तुम्हारे शरीर के साथ मिलकर काम करता है। जब तुम गायब हो जाओगे, ये सूट भी गायब हो जाएगा। इसे हमेशा अपने कपड़ों के नीचे पहने रखना। इसे अपनी माँ की तरफ से एक तोहफा समझो। और ये क्या है? ये निशानी है कि तुम सब में खास हो। रशिया में इसको इस तरह लिखा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। डिवीजन ये जानता है कि तुम यहाँ हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि हमारे दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं और वो हमेशा जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखना। बुढ़ाऊ सटिया गया है, उसे कुछ याद नहीं है, ना ही बच्चे के बारे में, रशियन के बारे में, और ना ही हमें यहाँ बुलाने के बारे में, कुछ भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। और ना ही तुमने कुछ अजीब देखा? फिर कभी ऐसे मत जाना, ठीक है ना? कभी नहीं। मुझे मारियो को डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम अभी घर चले जाओ, मैं घर आऊंगी तब बात करते हैं, ओके? तुम चाहो तो मैं इसे घर छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इतनी लचीली कैसे हूँ और ऐसी कौन सी दूसरी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तुम इसके अलावा और कुछ थोड़ी ना कर सकती हो। हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे पूछा 1,31,071 का फाइनाइट स्क्वायर रूट बताओ। उनको ये नहीं पता कि उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, वो एक प्राइमरी नंबर है। वो मुझसे टेनिस के बारे में पूछ रहे थे। शायद ये लोग एलियंस हैं, वो इंसानी भेस में है। शायद ये लोग हमारा मन पढ़ सकते हैं, शायद अब भी पढ़ रहे हैं। दिमाग खाली हो जा, खाली हो जा। तेरा दिमाग वैसे ही खाली है मोटे। मैं मोटा नहीं हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म सुस्त है। इन्हें सब कुछ पता है कि तुम अच्छा टेनिस खेलते हो और तुम एक फट्टू डरपोक चूहा है। ब्रांडो, कि तुम नंबर्स में अच्छे हो।
और तुम रस्सी पर भी चल सकती हो। सही कहा। शायद इन्हें ऐसे बच्चों की तलाश है जिसके पास कमाल का टैलेंट हो। ठीक है, लेकिन क्यों? वो लोग ऐसा किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो यहाँ से भाग सके। मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? ठीक तो हो ना? तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मुझे सुनाई नहीं दिया। चाय तैयार है, अगर चाहो तो तुम उसके साथ कुछ खा भी सकते हो। मैं जानता हूं तुम अब बड़े हो रहे हो और ये उम्र आसान नहीं है। हमारे अंदर बदलाव आते हैं और हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। ये लो बिस्किट खाओ। महसूस हो रहा है? मुझे बाथरूम जाना है। सारे दरवाजे बंद हैं, भागने की सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी। कोशिश ना करो तो बेहतर है। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। अब दरवाजा खोल दो। खोल भी दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। कई सालों से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम कितनी देर के लिए अदृश्य रह सकते हो? तुम्हें दर्द होता है या नहीं? सर दर्द या उल्टी?
और भी बहुत कुछ सीखना होगा अंद्रेई। तुम्हारी अपनी शक्तियों पर अच्छी पकड़ है। हम तुम्हें और बेहतर बनाएंगे। यहां इन आम लोगों के बीच तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अंद्रे। आम लोगों की यह दुनिया तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें बस एक मॉन्स्टर समझेंगे, जबकि तुम उन सब से बिल्कुल अलग हो। तुम बहुत खास हो। बहुत बढ़िया था, पर काम नहीं बनेगा। इवान चलो। हा? अबे क्या दिमाग की एक कर रहा है? चलो वो हमें मार देगा। छोटे अंदर कहाँ हो तुम? मैं कह रहा हूँ जल्दी चलो। अबे इसकी तो उठा दो। अब बता तू कौन है? इवान रुको। अपना चेहरा दिखा, कौन है तू? इवान बस करो। हो गया तुम्हारा। माइकल तू? ये सब क्या है? ओह, खुद का वजन देखा है क्या? मुझे मोटा बोलता रहता है। चुपचाप खड़ा रहे मोटे। चुप रहो। क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। अरे क्या हुआ? चूहा है। जो भी करना है जल्दी करो, जल्दी करो। सिगरेट है क्या? काम पर ध्यान दो। उस तरफ ठीक से चेक करो। अपन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को मिला है, लेकिन यह आदमी वो एक रशियन जासूस है। उसने ब्रांडो और स्टेला को किडनैप किया है। वो साइकोलॉजिस्ट बच्चों को चुराता है? नहीं नहीं, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है सुनो, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हो? साइकोलॉजिस्ट? हाँ तुमने ही तो बताया था। हाँ वो मैं ADHD के लिए जाता हूँ। वो क्या है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। वो कहता है ये सब मुझे है। ये सच नहीं है। बिल्कुल सच है। तुम्हें वो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? छोड़ो इस बात को, रहने दो। तो क्या उसने ब्रांडो को किडनैप किया? और मार्टिनो और स्टेला को भी। और ब्रांडो को भी? हाँ ब्रांडो को भी। ये क्या है? अपन पेनबॉल्स फाइट के लिए इधर ही चाहता है कई बार। अब इसका कमाल देखो, यह है किंगमन ATK-4 लेटेस्ट मॉडल। यह 300 फीट तक निशाना लगाती है। ये काम नहीं करेगा, उनके पास असली हथियार है।
तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। सब लोग अपनी आंखें खुली रखो, सतर्क रहना। अगर मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मैं। आप उन दोनों साथ में ढूंढेंगे। कैसे? कोई ना कोई तो सिग्नल मिल जाएगा। पर कैसे? इवान, तुम्हारा जवाब नहीं। के गुल होने वाली है। मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चलो चलें। चल। छोड़ो। चुप। जाने दो मुझे। गोली मार दूँगा। चलो। वरना गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोगों का ध्यान किधर है? तुम्हें पता नहीं चला ये कब आई? ठीक से नजर रखो सब लोग। कोई भी अंदर घुसने ना पाए। हम वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ उनके आदमी हैं। अपन के पास एक प्लान है। क्या है? तू मिस्टर इंडिया बन जा, बाकी सब ये मोकैम्बो संभाल लेगा। क्या बात है, अपन को जिंदगी में ऐसे चुच करने का था। ये किसने किया? ढूंढो, हर जगह देखो, क्या हो रहा है ये सब? ध्यान से चेक करो, क्या चल रहा है ये सब? अरे ये कंट्रोल यूनिट काम नहीं कर रहा, हमेशा दिक्कत होती रहती है। उस तरफ जाके देखो, जाओ, चलो चलो, जल्दी जल्दी, पता करो क्या चल रहा है, जाओ। Come on guys, जल्दी, जल्दी चलो, चलो, जल्दी, चलो, ध्यान देखो से। क्या हो रहा है? अरे भागो। वाह, क्या कर रहे हो तुम? उस तरफ देखो, जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? शायद कंट्रोल यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम वही चेक कर रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल में है। आंद्रे, मुझे पता था तुम वापस आओगे। उसके साथ वो औरत भी है, वो भी उस लड़के की तलाश कर रहे हैं। मुझे पता था माइकल स्पेशल है, पर ये नहीं पता था कि इतना स्पेशल है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, उसके जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। मुझे अभी उसके पास लेकर चलो।
लो। सारे लोग अंदर आओ अभी के अभी। मिसा, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो जल्दी, बाहर आ जाओ। अंदर जाओ जल्दी। इन्होंने जरूर मुझे कुछ खिलाया है। बहुत भारी ड्रग है। ओ तेरी, माइकल तुम? तो वो तुम थे? उम्मीद करता हूं तुम निराश नहीं हुई। माफ करना, तुम्हारा ये रोमांस हम बाहर निकल के देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मेरे पीछे आओ। नहीं रुको, यहाँ कोई और भी है, उन्हें भी छुड़ाना होगा। मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं जाता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी, जब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तब उन्हें देखा। ठीक है ब्रांडो, तुम दोनों यहाँ से निकलो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं देखो, तुम नहीं जानते कि वो कहाँ है, मैं जानती हूँ। इस तरफ, इस तरफ। वो बंद है, कोशिश करते हैं। देखा, इसे पकड़ो। रुको, नहीं अभी नहीं। इसे पता है माइकल कहाँ है। इस तरफ संभल कर आना। तुम्हें यकीन है ना? हाँ, लगता तो यही है। बाहर का रास्ता यहाँ से है। ये खुल नहीं रहा। इन्होंने हमें बंद कर दिया। वो यही है। चलो सामने आओ छोटे आंद्रे। स्टेला, पर क्यों? मैं स्टेला नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? स्टेला, मेरा नाम क्लॉ है, मतलब पंजा। जब मेरा दिमाग किसी को अपने पंजे में ले लेता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, बस थोड़ा सा सर घूमता है, ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। तुम अपने घर में तो मेरे पंजे से बच गए थे, लेकिन यहाँ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? कोई है बचाने वाला? है तो सामने आए। तुम मेरे घर कभी नहीं आए हो। आया था लेकिन तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारी माँ का दोस्त बनकर आया था। मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? और मैं ही था तुम्हारी स्टेला। मुझे तहखाने में ले चलो। तुम भी मेरी तरह हो माइकल, हम दोनों हैं स्पेशल। मैं तुम जैसा नहीं हूं।
जाओ, सारे रास्ते बंद कर दो अभी। तुम वहां खड़े रहो। कहां है वो? कहां गया? किधर है वो? कहां गया वो? बस करो, हमारे सामने आओ माइकल, और जरा अपने दोस्त के बारे में भी सोचो। वसीली, तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ, माइकल ने तो मुझे यही कहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। लगता है सारे चमचे अंदर हैं। चलो चलते हैं। यहां से सबको निकालो। मुझे क्यों लग रहा है कि हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे? आगे मत बढ़ना। सब लोग सुनो, ये जगह जल्द से जल्द खाली कर दो। माइकल यहां नहीं है, ये जगह तबाह होने वाली है। अब हम जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। देखना तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तुम जल्द ही अपनी माँ से दोबारा मिलने वाले हो। ये सच नहीं है, तुम लोगों ने उन्हें मार दिया था। ओ नहीं, वो लोग तो साधारण लोग थे जिन्होंने उसे जख्मी किया था, उसे मारा नहीं था। बिल्कुल नहीं, गलत मत सोचना। लेकिन अब डिवीजन हम चलाते हैं। बचाओ, 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 बचाओ। हम यहाँ अंदर बंद हैं। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। बचाओ, बचाओ, हम लोग यहाँ हैं। तुम्हारी माँ जिंदा है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और अब हमें स्टेला को सुरक्षा के लिए इस कैप्सूल में डालना होगा। हम उसे आराम से ऊपर पानी की सतह पर भेज देंगे। तुम लोग ठीक हो? माइकल और स्टेला कहाँ हैं? वो लोग वापस अंदर चले गए हैं। चलो बाहर जाओ, जल्दी। चलो चलो, जल्दी करो, ये फटने वाला है। जल्दी। नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उठा तो मैंने यह खुद को कैद में पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं मुझे है। कुछ नहीं सुनना, मेरा बेटा कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे ये चोट कैसे लगी, और मेरा चश्मा भी चला गया। योवाना, चलो यहाँ से। माइकल यहाँ नहीं है, ये सच बोल रहा है। बाईं तरफ सीढ़ियां हैं, चलो जल्दी। जल्दी चलो, चलो भागो, चलो बाहर निकलो, जल्दी। माइकल, तुम्हें इन साधारण लोगों के साथ दिल नहीं लगाना चाहिए।
साधारण लोग साधारण जिंदगी जीते जीते मर जाते हैं, वही रोटी कपड़ा मकान की भाग दौड़ और अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जो फिर से वही जिंदगी जीते हैं जैसे उनके माता पिता ने जिया था, जानते हो। अब से तुम्हारा परिवार हम है, तुम्हारी मंजिल भी हम है। अब दिखाओ मुझे तुम और क्या क्या कर सकते हो। माइकल सिल्वेंसी, तुम्हारी माँ इस बात से काफी खफा हो जाएंगी। मेरी माँ मर चुकी है। स्टेला, क्या तुम ये चलाना जानती हो? शायद इस लाल बटन से कुछ हो। तुम्हें लगता है? तुम ये फिर से कर सकते हो प्लीज? हाँ? इसमें जरूर किसी तरह की हाथों की सफाई है, आंखों को धोखा देने की तरह। आप सभी को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे शहर को बचाने के लिए हमारे पास एक सुपर हीरो है। माफ करना बच्चे, लेकिन हकीकत में सुपर हीरो जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अपना मुंह बंद कर, हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारे डिपार्टमेंट क्या बकवास कर रहे हो। ये उनके साथ नहीं थे। शुक्रिया बच्चे मेरा साथ देने के लिए, ये मुझे दो। मैं अभी आया। मैं जानता हूं तुम क्या करोगे। मुझे करना पड़ेगा। पर क्यों? वरना इन्हें पता चल जाएगा कि तुम स्पेशल हो। तो क्या? फिर तुम हमेशा खतरे में रहोगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह हो। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। क्या मेरी पावर भी चली जाएगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है तुम्हें और भी पावर्स आ सकती हैं। और तुम चले जाओगे? जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। उन्हें मैं चाहिए था तो उन्होंने स्टेला को क्यों किडनैप किया? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा अगर इन सबको आज की ये रात याद रह गई। मुझे कुछ वक्त दीजिए डैड। माइकल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैं कंफ्यूज हूँ, इतना जल्दी इतना सब कुछ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे भी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे भूल जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता।
बाकियों के पास जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सबकी याददाश्त ऐसे कैसे चली गई? तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो ना? मेरी खुद की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन ने हम पर जादू चला दिया हो। क्या तुम उस सबमरीन में थी? हाँ, मुझे तो लगता है। क्या तुमने उन बच्चों को बचाया? हाँ, मैंने ही उन्हें बचाया, लेकिन मैं खुद नहीं जानती। तो सारा क्रेडिट अपने नाम लेकर किस्सा ही खत्म कर दो ना, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग जा सकते हैं। बधाई हो। थैंक यू। जैसा आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर जोआना सिलेंजी की वजह से इस पूरे मिशन को अच्छी तरह से पूरा किया गया। हम कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन फिर भी सवाल है। अच्छा, तीन गुम क्या बात कर रही हो? पेपर में भी छपा है। तुम्हारी माँ तो फेमस हो गई। वो सब ठीक है। थैंक यू मॉम, थैंक यू। मेरी मॉम को जिंदगी में पहली बार मुझ पर गर्व हुआ है। मुझे पता है वो तुमने किया माई। और तुम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है आज शाम मैं तुम्हें पिज्जा खिलाने लेके जाने वाली हूँ, तुम्हें भी तो इनाम मिलना चाहिए ना। क्या मतलब? तुम्हें भी तो मैथ्स टेस्ट में पूरे मार्क्स मिले हैं ना। कैसे किया? नकल करके? नहीं। और नहीं तो क्या? नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। तुम्हारी आंखों में झूठ साफ दिखाई दे रहा है। बाय। आपने अच्छा किया, आप उन्हें घर ले आई। तुम्हें प्रॉमिस जो किया था। बाय मॉम। क्यों, आप उन दोनों को देख के खुशी नहीं हुई क्या तेरे को? इवान, तू जितना दिखता है उतना उल्लू नहीं, सिर्फ तेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर रहता है। सीरियस नहीं है तो इस पर काबू कर सकता है। और तू अपना गुस्सा अपने पापा पर निकाल, क्योंकि तुझे उन पर गुस्सा आता है। क्या बकरा है, मुझे मारना चाहते हो? शुरू हो जाओ। हो गया ना, अब परेशान मत करना। स्टेला, हाय। तुम पार्टी में नहीं रुकोगी? देखो, मैं अपने किडनैप होने की खुशी तो नहीं मनाना चाहती। बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब तुम्हें अब तक सर्दी है? क्या तुम मुझे घर छोड़ने चलोगे? क्यों नहीं, मुझे कल के मैथ्स टेस्ट की बहुत फिक्र हो रही है, क्या करूं? मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? तरकीब ही समझ के चलो।
जनरल, हमारा मिशन नाकामयाब रहा। स्पेशल आंद्रे फिर से हमारे हाथ से निकल गए। जनरल, लेकिन हमने छोटी नताशा का पता लगा लिया है। वो मोरक्को में रुकी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। दिस वीडियो इज डाउनलोडेड फ्रॉम कैट मूवी HD। जाओ। ओके जनरल। मेरी गुड़िया रो मत, आखिरकार हम आजाद हो गए। Oh my goodness, an invisible boy. When my heart changes, others will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears, oh my goodness, I'm the invisible boy. New day is coming, people renew the gleams of hopes. Unveil a charming. Let me run, I can cope. Let me run, I can cope. Dancing to the wild wind, moving with my hands a wheel. These days are changing full, burning my last opportunity. Dancing to the wild wind, moving with my hands a wheel. Oh my goodness, an invisible boy. While my heart changes, I will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears. Oh my goodness, I'm the invisible boy. Coming, people renew the gleams of hopes. Unveil a charming. Let me run, I can cope. Let me run, I can cope. Dancing to the wild wind, moving with my hands a wheel. This is a changing fool, burning my last opportunity. Dancing to the wild wind, twisting with my hands a reel. This kind of folk song needs to be sung. I'm your invisible boy.
and all the way down. But I'm deep inside of you, but you feel nothing, you feel nothing. But I think I heard your voice, but I never heard nothing, I never heard nothing. And I think I heard you speak, but I never heard nothing, I never heard nothing. But I found another match. She says we'll make it, so long as I don't break it. But I'd give it all up just to hear you say that you love me. And I think I heard your voice, but I never heard nothing, I never heard nothing. And I think I heard you speak, but I never heard nothing, I never heard nothing. And I'm waiting for the day for you to say something, just say something. And I'm gonna start to pray.